नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले रेलवे अपेंडिस 2023 के अंतर्गत फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ देखने वाले हैं कि फाइनली कितना परसेंट पे पिछला बार सिलेक्शन हुआ था, कितने परसेंट पे यहाँ कौन सा ट्रेड से किस कैटेगरी से कितने परसेंट कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस बार 2023 का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है वो भी आपको हम बताएंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार जो आपका कट ऑफ है वो 50% पे बनेगा। जी हाँ, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, तो तमाम तरह का जो भी ट्रेड का अपेंडिसशिप रिलीज किया गया उसमें इस बार आपका 50 से 55% पे आपका सिलेक्शन होगा और 50 से 55% पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो चलिए फाइनली जानते हैं कि किस डिवीजन का ये कट ऑफ है और किस डिवीजन का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और यहां पे जो आगामी जितनी भी भर्ती आएगी उसका क्या स्टेटस अभी तक देखने को मिल रहा है, तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आप वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट है उनका फाइनली वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर हो जाए। तो फाइनली देखिए हम कट ऑफ वाले पोर्शन पे आ गए हैं और ये जो आपका कट ऑफ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब इसका प्रीवियस भर्ती रिलीज किया गया था इस सेशन के पहले तो उसमें ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी का जो फंक्शन था वो आपको देखने को मिल रहा था। पर इस बार जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 2023 में, इसमें सिर्फ आप सभी को पता है कि SCR सिकंदराबाद की तरफ से सिर्फ 6 राज्य वालों कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया है, जो बिल्कुल भी गलत है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे ट्विटर कैंपेन भी फाइनली चला रहे और अभी तक आपने यहाँ पे रिट्वीट नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि रिट्वीट करने का, क्योंकि जितना ज्यादा यहां पे रिट्वीट होगा उतना आपका जो यहां पे चांस है आपका ऑल इंडिया होने का वो ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने स्पेशल अलग से वीडियो में बात किया था डेडिकेटेड वीडियो के साथ, इसका भी जो उस वीडियो का भी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं, ये तो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, पर इस बार जो आपका मेरिट बनेगा वो 50 से 55% से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी ट्रेड किसी भी कैटेगरी का हम बात करें। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली कितना कट ऑफ देखने को मिला था कि ट्रेड वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑफ द लास्ट कंसीडर्ड कैंडिडेट फॉर एक्ट अपेंडिसशिप नोटिफिकेशन 2021 इंक्लूडिंग नन पीएच एंड नन एक्स सर्विसमैन इज एज अंडर। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना ट्रेड है टोटल वो बता देते हैं। ट्रेड देख लीजिए, एसी मैकेनिक है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर है, मैकेनिस्ट है, MMTM है, MMW है, पेंटर है और वेल्डर। तो तमाम तरह का जो भी आपको ट्रेड है यहाँ पे देखने को मिल रहा। सबसे पहले बात करते हैं आपका एसी मैकेनिक का, जिसमें आपका एससी में देखिए 67 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में बात करेंगे 62 पे हुआ, ओबीसी में देखिए 70 पे हुआ और ईडब्ल्यूएस में आपका 73 पे हुआ और फाइनली अनरिजर्व में बात करेंगे तो 72 पे ही आपका सिलेक्शन इसमें देखने को मिल रहा। कारपेंटर का बात करते हैं तो कारपेंटर में आपका एससी कैटेगरी से यहां पे कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 76 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में देखिए आपका 80 तक चला गया, ईडब्ल्यूएस में भी अवेलेबल नहीं है और अनरिजर्व में बात करेंगे तो 81.64 पे आपका सिलेक्शन हुआ है कारपेंटर का। नेक्स्ट बात करते हैं डीजल मैकेनिक, तो इसमें आपका देखिए एससी में 79.4 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में आपका 77.3 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में आपका 79.7 पे सिलेक्शन हुआ और ईडब्ल्यूएस में फाइनली आपका 61.8 पे सिलेक्शन हुआ, अनरिजर्व में आप देखोगे तो 81.9% पे आपका सिलेक्शन किया गया। चलिए सबका डिमांडेबल और सबसे कॉम्पिटेटिव ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं, तो इसमें आपका देखिए 81.5% पे सिलेक्शन हुआ एससी से, एसटी से बात करेंगे तो 80.31%, ओबीसी से बात करेंगे तो आपका देखिए 80.42%, ईडब्ल्यूएस से देखेंगे तो फाइनली थोड़ा सा कम आपको कम देखने को मिल रहा है 73.42% और फाइनली अनरिजर्व में देखिए 83.5% पे आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेक्शन हुआ फर्स्ट मेरिट का ही। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, तो इसमें आपका देखिए 79.39 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में आपका 79.10 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में बात करेंगे तो 81.57 पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 72.22 पे सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व में बात करेंगे तो 81.82% पे सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का। चलिए दूसरा हमारा सबसे कॉम्पिटेटिव ट्रेड देखते हैं फीटर, फीटर का अगर बात करेंगे तो एससी कैटेगरी से 74 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में आपका 72 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में आपका 74 पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो देखिए ईडब्ल्यूएस में कितना कम आपको जो कट ऑफ
देखने को मिल रहा है, मात्र 59.6 पे सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व में आपका 77 पे सिलेक्शन हो गया। इसीलिए साउथ में जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सभी का सिलेक्शन आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ है बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो आपका ऑल इंडिया कट ऑफ था, बाकी आपका जो अगर 6 राज्य वालों को सिर्फ मौका दिया गया तो सोच लीजिए उसमें कट ऑफ कितना बनेगा। और यहाँ पे जल्दी सीट भी फुल नहीं होगा क्योंकि 4100 यहाँ पे पोस्ट रिलीज किया गया है। मैकेनिस्ट का बात करते हैं तो 77.8 पे आपका सिलेक्शन हुआ। एससी से एसटी से बात करेंगे तो 74 पे, ओबीसी से बात करेंगे तो 78 पे, वहीं ईडब्ल्यू से देखेंगे तो 84 पे आपका सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व का आपका देखने को मिलेगा 80 पे सिलेक्शन हुआ मैकेनिस्ट से। एमएमटीएम का बात करते हैं तो सिर्फ आपका अनरिजर्व में है 81.44%, वहीं एमएमडब्ल्यू में बात करते हैं तो आपका ओबीसी में देखिए 74.10 पे सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व में बात करेंगे तो 75.3 पे सिलेक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटर में देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ, मात्र 65 पे आपका सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व कैटेगरी से। वहीं अगर बात करेंगे वेल्डर से तो वेल्डर का देख लीजिए, ये भी धीरे धीरे यहाँ पे डिमांडेबल ट्रेड में आ रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ पे इसमें भी कॉम्पिटिशन आपको देखा जा रहा है। 71.09% पे आपका सिलेक्शन हुआ। एससी से एसटी से बात करेंगे तो आपका देखिए 69.7, ओबीसी से बात करेंगे तो 71.5, ईडब्ल्यू से बात करेंगे तो 63.01 और वहीं अनरिजर्व से बात करेंगे तो अनरिजर्व में आप देख सकते हो कि 73.7% पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये था फाइनली ऑल इंडिया साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो पिछला भर्ती आया था उसका कट ऑफ, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इस बार आपका कट ऑफ कितना कम जाएगा क्योंकि इस बार सिर्फ 6 राज्य वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। तो चलिए ये तो फाइनली साउथ सेंट्रल रेलवे जो कट ऑफ था वो देख लीजिए। अब इसमें बात करते हैं कि अभी किस किस डिवीजन से आपको और अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो देखिए हम एक एक करके बता देते हैं आपको इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं तो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं तो ECOR मतलब ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे से आने वाला है। तीसरा बात करेंगे तो आपका नॉर्दर्न रेलवे से आने वाला है। तो इन सभी यहाँ पे आपको जो डिवीजन है उनसे आपका अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। चौथा में बात करते हैं तो आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे से आने वाला है, इसका भी अभी कमिंग सून में है। उसके बाद आपका बात करते हैं तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री चेन्नई से भी आपको देखने को मिलेगा। तो इतना आपको यहाँ पे अपेंडिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर फाइनली BLW का कब आएगा, तो देखिए BLW का भी आने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें हर साल 374 पोस्ट पर आता है नोटिफिकेशन। फाइनली अभी 374 पोस्ट रेलवे ने कवर नहीं किया, 374 स्टूडेंट अभी तक नहीं मिल पाए। इसके रिगार्डिंग आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ है और उसमें देखते हैं कि जितना जल्दी फिल हो जाएगा उतना जल्दी आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप मान के चलो कि मार्च तक आपका BLW का नया अपेंडिसशिप देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी अपेंडिसशिप थे, किसी का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा, तो किसी का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा, किसी का आपका नया रिक्रूटमेंट आ गया है और किसी का आने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो बात है ईस्टर्न रेलवे को लेकर ज्वाइनिंग का, तो देखिए धीरे धीरे करके सबका ज्वाइनिंग आ रहा है। आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड चाहे किसी भी डिवीजन से हो, किसी भी ट्रेड हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो हमें जरूर से जरूर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करिएगा, चाहे आपका मेल के माध्यम से आता है या फिर लेटर के माध्यम से आता है या फिर आपको कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि आसनसोल के वहाँ पे रेलवे ने कहा है कि आप सभी को यहाँ पे कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप वहाँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी profitstudy22@gmail.com पे भी जो भी नोटिफिकेशन आया उसे फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आपका एक सिंगल नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को यहां पे जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीएलडब्ल्यू का भी बहुत जल्द आपको यहां पे ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, हो सके आज शाम तक या कल शाम तक आपको इसका मेरिट लिस्ट साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे, उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर देना ताकि जैसे वीडियो पहुंचे, वीडियो हमसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।